नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का एक करंट टॉपिक जो कि चर्चा में है। तो हम लोग देखते हैं पाक पर FATF का शिकंजा संभव। आखिर ये चर्चा में क्यों है, इसके रिगार्डिंग देखते हैं। तो पुलवामा अटैक हमारे ऊपर अभी हुआ है, पुलवामा अटैक इंडिया के ऊपर, उसके रिगार्डिंग तो जान ही रहे सब कोई, बहुत दुखद घटना भी है। तो आखिर ये चर्चा में क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं। ये नीचे पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की तैयारी, ठीक है। आखिर ये चर्चा में है क्यों, इसको देखते हैं। भारत 17 से 22 फरवरी तक पेरिस में हो रही FATF की बैठक में सदस्य देशों के सबूतों के साथ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए लगाएगा जोर। पाकिस्तान जून 2018 से ही FATF की ग्रे सूची, ग्रे लिस्ट में शामिल। FATF ने पाकिस्तान को 27 सूत्रीय कार्य योजना के तहत अक्टूबर 2019 तक आतंक के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने का दिया था समय, ठीक है। अब देखते हैं FATF के बारे में, आखिर ये FATF होता क्या है। तो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक अंतर सरकारी निकाय है। जुलाई 1989 में पेरिस में शिखर सम्मेलन में स्थापना हुआ था इसका, ठीक है। शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग ML के अलावा आतंकी वित्त पोषण, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से निपटने के लिए प्रयासों को भी किया गया शामिल। वर्तमान में FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक के वित्त पोषण और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए कानूनी नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करता है काम। FATF में 36 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन है शामिल। भारत, जापान और चीन भी FATF के सदस्य है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित ये देखते हैं हम लोग। तो ब्लैक लिस्ट में शामिल होने पर पाकिस्तान पर पड़ने वाले प्रभाव, ये पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो क्या फर्क पड़ेगा उनको उसके ऊपर। पाकिस्तान के लिए अपनी बढ़ती विदेशी वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना हो जाएगा कठिन। पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग में होगी गिरावट, शेयर बाजार हो जाएगा धराशायी। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा होगा खत्म, जिससे निवेश में आएगी भारी कमी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संबंधी कड़ी शर्तें होंगी लागू। पाकिस्तान की निर्यात में भी आएगी भारी कमी, जो उसकी विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मारक साबित होगा, ठीक है। आप यदि RRB का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।